गाजियाबाद के वसुंधरा की ऑलिव कंट्री में दो दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की 14वीं जिसके बाद परिजनों ने रेप और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस की सुस्त कार्रवाई के चलते कुछ नहीं हो सका। जिसके बाद आज घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानियों ने गाजियाबाद इंदिरापुरम में रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। उसने धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया, मैंने कहा गेट पर फांसी के नारे लगाए। उसने किसने ये 1403 में मैंने गेट नहीं खोला, इसने मैंने कपड़े मांगी, गेट पास मांगी, मैंने मोबाइल मांगा, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे क्या देगा, उन्होंने नहीं दिया, गेट बंद कर दिया। मैंने कहा फांसी लगाऊंगी तुम्हारे गेट में जाऊंगी। जब आपको फांसी लगाएगी तो बोल रहे उसने तभी गेट भी नहीं खोला। ऑलिव कंट्री में काम करने आती थी आपकी लड़की? सुंदरा सेक्टर 5 ऑलिव कंट्री में, ये सेक्टर 1403 में मेरी लड़की काम करने आती थी। कितने साल से काम कर रही थी इनके यहाँ? उनके यहाँ 3 महीना हो गए थे, चौथा महीना चालू हुआ था। 15 दिन के अंदर ये सब हो गई है। 15 दिन को मैं गांव चली गई थी, जबरदस्ती उन्होंने रोका, मेरी लड़की को जाने नहीं दिया, तब वो मार मार के डाल दिया मेरी लड़की को, मुझे मृत्यु तक नहीं। मेरा नाम अनुज है। अनुज, यहाँ एक घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला मेरी बहन थी, उसका नाम मीनाक्षी था, ओली कंट्री में काम करती थी, 5 में 14 नंबर में 1403 में काम करते थे। इन्होंने मार के डाल दिया ऊपर से, फिर ये लोग ऐसा बता रहे हैं, कुछ फोन भी नहीं किया इन्होंने, कैसे क्या किया है ये कुछ नहीं बताया। ये लोग मार के डाल के और ये उनकी बॉडी साफ कर दिया, बॉडी दिए भी नहीं। कब का मामला है ये? 11 तारीख का। तो आपको कब पता लगी? मेरे को तो 8 बजे पता चली थी, आधे घंटे बाद पता चला। जब मैं यहाँ पे आया तो हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे, माँ बाप गाँव में थे, मैं अकेला यहाँ पे था।